हेलो फ्रेंड्स, इंसान के पास पैसा कमाने का एक ही मकसद होता है, उसके पास खुद का आशियाना हो, एक शानदार गाड़ी हो। और जब वो इस काबिल बन जाता है कि खुद का घर खरीद सके, तो बात आती है जमीन खरीदने की। वैसे तो आजकल हर कोई बने हुए फ्लैट्स ही खरीदना पसंद करता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ज़मीन खरीदकर अपने तरीके से घर बनवाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि नए घर में अचानक से परेशानियाँ आने लगती हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र की माने तो ज़मीन का वास्तु दोष सिर्फ मकान के मालिक पर ही नहीं पड़ता, बल्कि आगे की कई पीढ़ियों के लिए परेशानियों का कारण बन जाता है। इसलिए ज़मीन खरीदते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कब्रिस्तान या उसके आसपास की जगह घर बनाने के लिए बिल्कुल सही नहीं होती, क्योंकि ऐसी जगह पर घर बनवाने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से घर परिवार पर संकट आता है। यही नहीं, इससे घर के सदस्यों की अकाल मृत्यु का खतरा भी हो सकता है। ऐसे में इस तरह की ज़मीन खरीदकर उस पर अपना घर बनवाना खुद ही संकट मोल लेने जैसा है। इसी तरह हॉस्पिटल या नर्सिंग होम की ज़मीन पर घर बनवाने से वहाँ रहने वाले लोगों को हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं और वे कभी भी खुश नहीं रह पाते। और जिन लोगों को प्रकृति से बहुत प्यार होता है, वे हमेशा शांत माहौल में नदी के किनारे घर बनाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे आपके जीवन में कितना गलत असर पड़ता है? क्योंकि वास्तु के अनुसार नदी के आसपास वाली जमीन भी वास्तु दोष पैदा करती है। इसलिए कभी भी ऐसी जमीन नहीं खरीदनी चाहिए। वास्तु दोष से बचने के लिए ऐसी जगहों पर घर नहीं बनवाना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ और मजेदार बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें पंजाब केसरी का यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी। बाय बाय फ्रेंड्स।